मित्रांनो, आपलं जे आज आपण जे सर्व जमलेलो आहोत वैदेही शक्ती नमक या मिठाचं अनावरण करण्यासाठी, तर त्याचं अनावरण मॅडमच्या हस्ते करण्यात येईल। न्या पेंडसे मॅडम प्लीज। आज आपलं नाव इतिहासात बरोबर कोरलं गेलं। मित्रांनो, मोबाइल सर्वांनी खाली बसायचं प्लीज, जागेवर जाऊन आपल्या आपलं बसायचं। जय वैदेही, जय वैदेही। खूप छान वाटलं मला। एक तर अक्षय तृतीयेच्या दिवशी आपण एका प्रोडक्टच्या लॉन्चला आलेलो आहोत आणि वैदेही शक्ती हे एक सॉल्ट आहे, एक मीठचं प्रोडक्ट आहे आणि आय थिंक मीठ हे काय सांगायची गरज नाही आहे की इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टंट न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड। तर मी वैदेही शक्ती शी रिलेटेड आहे आणि वैदेही शक्ती हे फक्त त्याचं एकच प्रोडक्ट आहे। जसं आपण पुढे जात जाऊ, जसं हे मार्केटमध्ये लॉन्च करू, तसे आणखी अनेक प्रोडक्ट्स आहेत त्यांचे। तर आपण ते हळूहळू लॉन्च करत जाऊया, पुन्हा आपण भेटूया आणि त्या प्रोडक्ट्सविषयी पण बोलूया। आणि आय एम असोसिएटेड विथ वैदेही ॲज अ ग्रुप, तर मला या गोष्टीचा खूप आनंद आहे आणि आज तुम्ही सगळ्या आलात ह्याला कव्हर करायला, म्हणून थँक्यू सो मच। नाही, मला वाटतं मीठ का कोणत्याही गोष्टीचा अति झालं तर त्रास होतोच। द ब्युटी ऑफ लाईफ इज इन फाइंडिंग द बॅलन्स। तर फक्त मीठ नाही, आयुष्यात कोणतीही गोष्ट, प्रेमही जास्त झालं तर त्याचाही त्रास होतो। तर आय थिंक बॅलन्स इन एव्हरी सिच्युएशन इज द की टू इट। मॅडम, ऑफ स्क्रीन जेव्हा आपण विचारलं तर जे तुमच्याबरोबर संजीव आनंद आहेत, बाकी जे आहेत मी आहे, त्यांना पण रिकमेंड करत काय हा शॉर्ट मेसेज आपल्याला? हो, आय नॉट, म्हणजे मी फक्त तुम्हाला रेकमेंड करेन असं नाही, तर जे माझे को आर्टिस्ट आहे ज्यांच्याबरोबर मी उठते बसते, मला वाटतं इट्स सॉल्ट, एव्हरी वन नीड्स इट। सो संदीप असो, तुम्ही सगळे असो, आय एम गोइंग टू टॉक अबाउट, दिस इज माय ब्रँड नाव, वैदेही शक्ती हे माझं ब्रँड आहे, मी फक्त त्याची ब्रँड अम्बॅसिडर नाही आहे। तर हे माझं ब्रँड आहे आणि हे माझं मूल आहे, तर आता मुलाला आपण सगळीकडे घेऊन जातो ना, तसं मी याला घेऊन जातो। अभी हिंदी में? अरे वाह। नेहा मैडम, यहाँ पे वैदेही शक्ति सॉल्ट हम लोग लॉन्च करने के लिए आए हुए हैं, क्या एक्सपीरियंस था, कुछ ऑडियंस से शेयर करना चाहोगे आप? अक्षय तृतीया के अवसर पे एक नए सॉल्ट के ब्रांड को हमने लॉन्च किया है जिसका नाम है वैदेही शक्ति, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि इतने शुभ दिन पे, इतने शुभ मुहूर्त पे हम ऐसा कुछ कर सके। और मुझे लगता है कि नमक है, नमक की ज़रूरत हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा है और इट्स अ वेरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट आई फील।
तो हम एक नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं और बहुत ही सशक्त लोग हैं जो इन प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। आई एम श्योर कि बहुत जल्द आपको ये मार्केट में नजर आएगा। नया मैडम, बाकी बहुत सारे सॉल्ट हैं ऑलरेडी मार्केट में, तो इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास है जिसके साथ आप एसोसिएट हुए हो? मुझे पता था ये सवाल जरूर आएगा। देखिए, इट्स सॉल्ट, ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल एक लेट्स से एक रिपोर्टर है तो कहेगा यार और रिपोर्टर को काम करने की क्या ज़रूरत है। नहीं ना, यू विल गेट समथिंग डिफरेंट इनटू योर फील्ड और इनटू योर एक्सपर्टीज, यू विल ऐड योर एक्सपर्टीज। तो ये वही बात है। सबसे पहली बात, जब इन्होंने मुझसे पूछा गया कि वैदेही शक्ति का आप ब्रांड एम्बेसडरशिप करना चाहेंगे, तो मैंने इनसे यही सवाल पूछा था कि क्या है। तो उन्होंने कहा था कि ये बनाया गया है गुजरात में, आई थिंक इट इज़ द प्लेस वेयर यू नो इट हैज़ अ हिस्ट्री, दैट प्लेस हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ सॉल्ट एंड इट इज़ प्योरेस्ट इन इट्स फॉर्म। अब वो सब आयोडीन है, ये है वो सब करते हैं, वो मैं भी बोलूँगी, तो ये तो आपको सुनने में इंटरेस्ट है नहीं। मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि इट इज़ एन ISO अप्रूव्ड ब्रांड, देयर इज़ अनदर FSSAI, सो ऑल द रिक्वायर्ड अप्रूवल्स आर देयर, इट इज़ गवर्नमेंट अफिलिएटेड। तो ऐसा नहीं है कि हम मार्केट में कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो वैलिडिफाइड नहीं है। तो इट इज़ अ सेफ प्रोडक्ट, इट इज़ अ वैलिडिफाइड प्रोडक्ट, सो व्हाई नॉट। सोमनाथ जी, बहुत सारे एक्टर्स हैं तो नेहा मैडम को खास सुना गया इसके लिए कुछ? एक्चुअली वैदेही मल्टी स्टेट एग्रो कोऑपरेटिव सोसायटी च्या माध्यमातून आज जे ब्रँड प्रोडक्ट मार्केटमध्ये वेळोवेळी येणार आहे, आणि एक मराठी अभिनेते म्हणून तसंच एक आम्ही आपली संस्था एक मराठी उद्योजकाची उद्योजक म्हणून त्यांना आम्ही आमंत्रित केलं। मॅडम, म्हणजे मेरा कंपनी आज क्या करनी है हमारी मॅडम? वैदेही शक्ति नमक से कुछ डिश बना के सबको खिलाने वाली है। और मीडिया क्वेश्चंस? थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग इन।